हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल देसी टिप्स हिंदी में। चाहे शरीर में पुराने से पुराना कालापन हो, चाहे जो सालों पुरानी जो धूल मिट्टी गंदगी जो आपके रोम छिद्रों के अंदर जमा हो गई है, उसको ये एक मिनट में ही साफ कर देगा। फिर चाहे कालापन आपकी गर्दन का हो, आपके हाथ पैर जो कोहनी है उस पे हो, बस सिर्फ एक बार ये आप लगा लो, चंद मिनटों में उसको ये चमका देगा, गोरा बना देगा और बेदाग बना देगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा, और हाँ, इसको आप फेस पर यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको आप फेस पर नहीं लगाना। तो अगर हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये जो नुस्खा है वो यूज़ करना है और किस प्रकार से इसको आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले तो आप छोटा सा बाउल ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर बाउल ले लिया है, उसमें आप किसी भी ब्रांड का जो शैम्पू आता है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। चाहे किसी भी ब्रांड का शैम्पू है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक शैम्पू इसमें ऐड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। तो आप लगभग थोड़ा सा नींबू का रस है वो इसमें ऐड कर दीजिए। बस आधे से एक चम्मच जितना ये जो नींबू का रस है इसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो आप इतना नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए। अब हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन पे क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ लगभग आधा चम्मच ये जो एलोवेरा जेल है इसका यूज़ करेंगे। तो आप लगभग बस आधा चम्मच जितना आप ये जो एलोवेरा जेल है वो इसमें ऐड कर दीजिए। बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है वो आपके शरीर के जो धूल मिट्टी गंदगी वगैरह जो जमा हो गई है वो आसानी से निकल देगी। अब आपकी स्किन को गोरा बनाने के लिए इसमें हम यूज़ करने वाला है इनो का। तो आप लगभग आधा पाउच जितना इनो है वो इसमें आप ऐड कर दीजिए। लगभग बिल्कुल आपको आधा पाउच इनो का इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, हमने आधा पाउच जितना इनो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से झाग उठनी ये है जो शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको अपने चेहरे पर तो आपको यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना है। तो आप जहाँ पर भी आपका जो हिस्सा काला है, चाहे वो गर्दन हो, हाथ पे हो, वहाँ पर जो आपने जो नींबू का यूज़ किया था, लेमन का, तो आप इस लेमन की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह से उंगलियों से भी आप इसको अप्लाई कर दीजिए इस तरह से। और आप चाहे तो इस लेमन के छिलके को इसमें डीप करके इस तरह से लगभग 1 से 2 मिनट तक रब कीजिए। जहाँ पर भी जो कालापन है, बहुत ही अच्छी तरह से आपका जो हाथ और पैर गर्दन है, बहुत ही अच्छी तरह से ये बेदाग हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। और इसमें हमने एलोवेरा जेल मिलाया हुआ है, तो इसलिए आपकी ये जो स्किन है वो भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको लगा दीजिए और 2 मिनट तक इस तरह से रब करते रहिए। फिर दोस्तों, आपको लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको यूं ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। और सूख जाने के बाद आपको इसको वॉश कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर भी जो आपने नुस्खा इसमें अपने हाथ पैर जहाँ पर भी लगाया होगा, ये जो तरीका है, बिल्कुल ये जो इसका रंग है वो काला जैसा हो जाएगा, आपका जो मेल है पूरा बाहर निकल आएगा। फिर इसको आप वॉश कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आपको इसको थोड़ा सा फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पहले नहीं लगाया, इसमें लगाया हुआ है, आपको हल्का सा फ़र्क इस वक्त दिखाई दे रहा हो, ना ही कोई एडिटिंग वगैरह कुछ दोस्तों हमने नहीं की है। तो आपको ये तरीका लगभग हर रोज़ यूज़ करना है। आप लगभग एक वीक तक अगर इसका यूज़ करेंगे तो आपके शरीर पर जो कालापन होगा, धूप की वजह से जो स्किन जल गई होगी, आसानी से, बिल्कुल आसानी से ही जो सनटैन है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप दोस्तों ये अच्छा नुस्खा सबके साथ शेयर कीजिए। अगर और भी आपके कुछ सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी ही आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।